अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वाइटनिंग क्रीम। वैसे तो बाज़ार में बहुत सी फार्मूला क्रीम्स हमें वाइटनिंग के लिए मिल जाती हैं, लेकिन उनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो कि स्किन को ख़राब कर देते हैं, स्पेशली उन गर्ल्स की जो कि सेंसिटिव जिनकी स्किन है। तो ये क्रीम जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। आप लोग देख सकते हैं कि गोल्डन पर्ल क्रीम हम लोगों ने ली है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बाकी क्रीमों की निस्बत बहुत ही कम हैं। और इसके साथ हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। बायोकाज का मैंने वाइटनिंग ड्रॉप्स लिए हैं, आप लोग अगर चाहें तो गोल्डन पर्ल के ही ले सकते हैं, या आप लोग इसके अंदर दो वाइटनिंग के कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं, और दो हम इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स डालेंगे। तकरीबन एक चम्मच के करीब हमारी क्रीम है और इतनी ही हम इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ये है भी बहुत ही चीप सी क्रीम, बहुत ही सस्ती पड़ती है ये। अब हम इसके अंदर ड्रॉप्स ऐड कर लेंगे। अगेन के ड्रॉप्स की जगह आप लोग वाइटनिंग के जो कैप्सूल्स मिल जाते हैं हमें बाजार से, वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और इस क्रीम को आप मॉइस्चराइज़र, नाइट क्रीम और सन ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इसको आप इस्तेमाल करें पहले रूटीन के साथ, जब आपको अपने मतलूबा नतीजे हासिल हो जाएँ तो आप इसको स्किप करके एक दिन यूज़ करें और एक दिन स्किप करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।